आज गुड़गांव ओआरसी से यज्ञ की अति सम्माननीय वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशा दीदी हम सबके बीच पधारे हैं। सब करतल ध्वनि से आशा दीदी का स्वागत करेंगे। ओम शांति। बल कहां से आएगा? बाबा ने चार प्रकार के बल बोले संपूर्ण स्थिति के लिए। स्नेह का बल, सहयोग का बल, दुआओं का बल और सहन करने का बल। प्रैक्टिकल पढ़ाई है। स्नेह का बल जब आप सेंटर पर आते हैं, परिवार के रूप से बैठते हैं तो स्नेह की अनुभूति करते हैं। ये बाबा ने कहा, ये संपूर्ण ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण स्थिति इस आधार से बनाई। स्नेह का बल है जो हमको रूहानी स्नेह मिलता है, वो तो दीदियों के सामने जाके मिलेगा ना, परिवार के सामने जाके मिलेगा ना, मोबाइल से थोड़ी मिलेगा वो। स्नेह का बल। दूसरा, सहयोग का बल, जो हम बहु काल से तन मन धन जन चारों प्रकार के भाग्य बाबा ने बताया था। याद है मुरली पिछले संडे की, चारों प्रकार का भाग्य, इसका सहयोग। आप तन का सहयोग कैसे देंगे बाबा को? मन का सहयोग कैसे देंगे बाबा को? धन का सहयोग कैसे देंगे बाबा को? ज्ञान धन बांटना है ना, उस धन की बात नहीं है, वो भी है लेकिन मात्र उसकी बात नहीं है। गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, सहयोग के नोट हैं जो बाबा कहते पॉकेट में रखो, ये कैसे देंगे? संगठन में। फिर चलो आगे, जन का सहयोग। मैं कितना पढ़ी हूं, कितना मैं पास हूं, मुझे कैसे पता लगेगा? अपने घर तो मैं शेर हूं, अपने घर में तो मैं बड़ी होशियार हूं, अकेली स्टूडेंट हूं, मोबाइल पर ऑनलाइन मैं बहुत अच्छी हूं, बहुत अच्छी हूं। लेकिन जब हम संगठन में आते तो देखते, अच्छा याद करो अपने दिनों को, अच्छा ये मेरे से पहले पहुंच गई, कल मैं इससे पहले पहुंच गई। ये स्पिरिट थी आप लोगों की? हमारी तो थी, ये पहले पहुंच गई, इनसे पहले कल मैं पहुंचूंगी। ये 2 घंटा योग कर रही है, मैं 2.5 करूंगी। होता है ना, वो संगठन में होता है, अकेले अकेले थोड़ी होता है। फिर एक दूसरे के पुरुषार्थ को हम जो देखते हैं उससे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलते हैं हम, और ऐसा करें और ऐसा करें और ऐसा करें। अब चलो चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा है सहन का बल। अब ये संपूर्ण बनाया इसने बाबा को, इन चार चीजों ने बाबा को संपूर्ण बनाया। ये बाबा की मुरली से बता रही हूं मैं, अपनी मनमत से नहीं, बाबा की मुरली से बता रही हूं। तो सहन का बल, आप घर में बैठे हो, आप बड़े राजी खुशी बैठे हो, जब यहां आते हो संगठन में आते हो तब पता लगता है
अच्छा दीदी इसको तो थोड़ा ज़्यादा प्यार कर रही है, इसको तो डबल टोली खिला रही है और मेरा नाम भी नहीं ले रही है, परीक्षा कहाँ आती है, कहाँ आती है, संगठन में। परीक्षा में मैं पास हुई फेल हुई कहाँ पता लगेगा, संगठन में। नहीं तो ऐसी रह जाएंगे कच्ची मूर्तियां, कच्ची मूर्तियां तो नहीं रहना है ना, खंडित मूर्तियां तो नहीं रहना है ना। को म्यूजियम में रखते हैं, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है।